सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम इंटरनेशनल। तो शुरुआत करते हैं दुनिया भर की ताजा खबरों के साथ। अमेरिका और चीन में ताइवान को लेकर एक दूसरे पर आक्रामक होते दिख रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन प्रशासन और ताइवान अमेरिकी पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। तो वहीं चीन ने ताइवान सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है, जिस पर अमेरिका ने ताइवान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तर अमेरिकी देश प्यूर्टो रिको में चक्रवाती तूफान फियोना तबाही मचा रहा है। वहीं इस तूफान से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घर से बेघर हो गए। राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय ने कहा प्यूर्टो रिको के पश्चिमी तट पर भारी बारिश जारी रहेगी, जिसके चलते अधिकांश नदियां तूफान पर रहेंगी और रात भर बारिश जारी रहने की आशंका जाहिर की है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पुर्तो रिको में आपातकालीन घोषणा जारी कर संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी को आपदा राहत कार्य के निर्देश जारी किए। ईरान में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अब ये प्रदर्शन हिंसक रूप लेता दिख रहा है। इस दौरान एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन में 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ईरान के कुर्द क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं विदेश मंत्री ने अल्बानिया की विदेश मंत्री ओल्टा जहाका के साथ द्विपक्षीय बैठक कर यूक्रेन और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि एस जयशंकर 10 दिवसीय अमेरिका दौरों पर, जहां वो जापान, अमेरिका, ब्रिक और अन्य प्रमुख देशों के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सू योल और जापानी पीएम फुमियो किसीदा एक साथ बहुप्रतीक्षित बैठक में शामिल होने एक साथ न्यूयॉर्क पहुंचे। बता दें कि अमेरिका में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में शामिल होने दोनों देश प्रमुख एक साथ पहुंचे। वहीं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सहयोगियों के साथ परमाणु हथियारों, सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ शांति की रक्षा के लिए दक्षिण कोरिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पीएम शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां पाकिस्तान बाढ़ और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं शहबाज दूसरे देशों की यात्रा पर आर्थिक मदद के लिए राहत पैकेज मांग रहे हैं। साथ ही कहा कि शहबाज और उनकी कैबिनेट 60% सदस्य जमानत पर रिहा चल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत, यूएई, फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। वहीं इस बैठक में तीनों देशों ने आर्थिक संबंध को लेकर बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। जयशंकर ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच समुद्री प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य पालन, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था बढ़ाने की सहमति जताई जा रही है। साथ ही संयुक्त अमीरात अमेरिका में आर्थिक संबंध बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। म्यांमार के मध्य सांगिक क्षेत्र में सेना ने बौद्ध मठ के स्कूल पर हेलीकॉप्टर से सैन्य कार्रवाई की। वहीं इस हमले में 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य बच्चे घायल हो गए। सेना ने बताया कि विद्रोही सैन्य बलों पर हमला करने के लिए बौद्ध मठ के स्कूलों में बच्चे छिपे थे। वहीं सेना ने विद्रोहियों से 16 देसी बम और हथियार जब्त किए। बता दें कि म्यांमार में पिछले साल सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद से म्यांमार हिंसा की आग झुलस गई। मेक्सिको के अक्विला शहर से 37 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित कोलिमा और मिचुआकान राज्यों की सीमा पर जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं इस भूकंप की गहराई 15.1 किलोमीटर पर केंद्रित थी। इस भूकंप के चलते एक व्यक्ति की मौत और कई इमारतों का नुकसान पहुंचा। यूएस पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने मेक्सिको के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय मिस्र दौरे पर हैं। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ कहिरा में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा की गई। वहीं 22 जून को रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ
सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में मिस्र की वायुसेना के साथ सैन्य अभ्यास भी किया गया। आज के लिए प्राइम इंटरनेशनल न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख